नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। पलवल में उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस का स्पेशल स्टाफ बनाकर कानून का डर दिखाकर लोगों से रुपये ऐंठने वाले फर्जी इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी, आई कार्ड और 6150 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि आज आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से उसके अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पलवल, श्री राजेश दुग्गल आईपीएस के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते हुए एटी स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दिनू वासी दैसी गांव जिला नूर पाल हकीम को गिरफ्तार किया गया है, जो गुप्त सूचना के आधार पर मिला था कि निकली इंस्पेक्टर का आइडेंटिटी कार्ड रखता है, साथ ही अपने निकली इंस्पेक्टर की वर्दी रखता है तथा नकली नोट रखता है और ये इससे समान क्रीता परचेज करता है, फुल रेट की जाए तो काबू आ सकता है। जो इस सूचना के आधार पर कल दिनांक इसको को 6 बजे के लगभग बुरका नहर पुल के नजदीक से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से नकली वर्दी, उत्तर प्रदेश पुलिस आइडेंटिटी कार्ड, राजस्थान पुलिस का बरामद हुआ है। राजस्थान पुलिस का ये नकली नोट है 6150 रुपए, जिसमें 500 के 200 के 100 के 50 के। ये कासगंज में 4 व्यक्ति थे, जो इंस्पेक्टर दीन कुमार बनावा था और 3 इसके और साथी थे, अलग अलग पोस्ट थे। कासगंज में इन्होंने अपना स्पेशल स्टाफ अलग से बना रखा था, जो यूपी से बंदे उठाकर और उनको वही की वही पैसे लेकर छोड़ देते थे। ना इसके अलावा कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब यो फरार चले उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इन पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के काफी मुकदमे अंकित हैं, जिनमें 5 मुकदमे में ये पीओवी करार चल रहा है। इस तरह के लोगों को शिकार बनाना चाहिए, ये भोले भाले लोगों को शिकार बनाते हैं। तुम फर्जी काम करते हो या वैसे करते हो, उठा जाते हो। इनका नेटवर्क तो 2009 से 1993 में बल्लभगढ़ पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी कि ये सरिया ट्रक चोरी करके जा रहे थे, पुलिस पर फायरिंग की थी। मुठभेड़ के दौरान इसका भाई घायल हो गया था, तो अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।